कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हो रही होती है। डीन मीटिंग में कहता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 महीने बाद हम जीव की 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम कुछ न्यू प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें 30th एनिवर्सरी के लिए। डीन आगे कहता है, गीतिका तुम मेरी असिस्टेंट होगी इस प्रोजेक्ट में। तो कंगन कहती है, क्या आप श्योर हो कि मैं आपकी असिस्टेंट बनूं? तो डीन कहता है, हाँ, तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा और मुझे रिपोर्ट करना है। लॉम कहता है, रोसरिन भी तो तुम्हारी असिस्टेंट हो सकती है। तो डीन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ गलत हो, इसलिए गीतिका को मैं असिस्टेंट चाहता हूँ और ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए, ताकि मैं वाइस चेयरमैन बन सकूँ। तभी कैरिन कहता है, अगर आप वाइस चेयरमैन बनोगे तो मिस्टर लॉम के बारे में क्या? तो डीन कहता है, भाई चेयरमैन होंगे। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद लॉम डीन से अपने ऑफिस में पूछता है कि तुमने कॉन्फ्रेंस रूम में ये सब क्यों कहा? तो डीन कहता है, चिंता मत करो भाई, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये खबर ग्रैंडमा के कानों तक पहुँचे, ताकि ग्रैंडमा को मुझ पर भरोसा हो। तो लॉम कहता है, अगर तुम गीतिका को इस तरह फॉलो करने देते हो तो क्या तुम सोचते हो कि ग्रैंडमा को अच्छा लगेगा? तो डीन कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो गीतिका और मेरे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लॉम कहता है, खैर जो भी हो, लेकिन आगे से मुझे चेयरमैनशिप में इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि चेयरमैन सिर्फ एक हैं, वो है मिस बेरुटा। दूसरी तरफ चेयरमैन को ये पता चल जाता है कि डीन ने मीटिंग में क्या कहा। ये जानकर वो परेशान हो जाती है। अब मेड चेयरमैन से कहती है, क्या सब कुछ ठीक है? तो चेयरमैन कहती है, डीन ने मीटिंग में कहा कि वो जीव का वाइस चेयरमैन होना चाहता है। तो मेड कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, आप भी तो हमेशा से यही चाहती हो। तो चेयरमैन कहती है, लेकिन मुझे लगता है डीन कुछ प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि डीन ने गीतिका को अपना असिस्टेंट रखा है। मुझे किसी की ज़रूरत है जो गीतिका को देखे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके बाद डीन को दिखाया जाता है जो गीतिका के साथ मॉल को विजिट कर रहा होता है। लॉम भी वहाँ दोनों पर नज़र रख रहा होता है। इसके बाद जब कंगन और डीन रिंग शॉप का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, तो डीन कंगन को रिंग ट्राई करने को देता है और ये भी कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कस्टमर इसे पसंद करेंगे। इसके बाद जब गीतिका रिंग पहनती है और फिर जब उसे वो निकालने की कोशिश करती है तो वो नहीं निकलती है। डीन कहता है, मत निकालो, मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद लूँगा। तो कंगन कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे निकाल दूँगी। इसके बाद वो उसे फिर से निकालने की कोशिश करती है। डीन कहता है, तुम्हारी फिंगर लाल हो रही है, मत निकालो। तभी महा कहता है, मिस गीतिका, इसे मत निकालिए, मिस्टर लॉम ने इसे आपके लिए खरीद लिया है। इसके बाद ऑफिस में कंगन लॉम को कहती है कि मैं इसे निकाल दूँगी, इसे वापस दे दूँगी। तो लॉम कहता है, मैं इसे नहीं चाहता, ये लेडीज़ रिंग है, मेंस की नहीं है, मैं इसे नहीं पहन सकता, अगर तुम मुझे ये वापस देती हो। तो कंगन कहती है, लेकिन तुमने ये खरीदी तो मैं ये तुम्हें बेचूंगी। तो लॉम कहता है, ये अब तुम्हारी है, तुम बाद में रिंग के पैसे अपनी सैलरी से कटवा सकती हो। तो कंगन कहती है, मैं हर दिन तुम्हारे घर में रहती हूँ, तो तुम मेरी सैलरी काटो तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो लॉम कहता है, तो हम इसे स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, 200 युआन पर मंथ। तो कंगन कहती है, महीने में क्या, मुझे इसे पूरी ज़िंदगी चुकाना होगा? बिल्कुल नहीं। इसके बाद कंगन रिंग को निकाल देती है और कहती है, यस निकल गई, मैं इसे बाद में बेच दूंगी और तुम्हें वापस पे कर दूंगी। तो लॉम कहता है, तुम इसे बेच नहीं सकती, इसे बस ले लो और मेरे लिए ये रिंग रखना। तो कंगन हैरान होते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए इसे ही रखूँ? इसके बाद लॉम कंगन को वो रिंग पहना देता है और कहता है, अगर मुझे कभी कोई मिली और मैं उसे लाइक करूँ तो मैं तुम्हें इसे मुझे देने को कहूँगा, ताकि मैं उस स्पेशल पर्सन को दे सकूँ। तो कंगन कहती है, क्या तुम पागल हो, मुझे ये रिंग पहना रहे हो किसी और औरत को देने के लिए? तो लॉम कहता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना, इसे मत निकालना और लूज़ भी मत करना, क्योंकि अगर ये लूज़ हुई तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। तो कंगन कहती है,
नहीं, इसके बाद लॉम कंगन को जाने को कहता है। अब कंगन के जाने के बाद लॉम कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिंग पूरी लाइफ पहने रखो। इसके बाद चेयरमैन को मीटिंग लेते हुए दिखाया जाता है। चेयरमैन कंगन से कहती है, मैं तुम्हें डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हटा रही हूँ। लॉम कहता है, आप ये सडनली क्यों कर रही हैं? गीतिका को डिज़ाइन डिपार्टमेंट से क्यों निकाला जा रहा है? तो चेयरमैन कहती है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र है, मैं निकाल नहीं रही हूँ। फिर वो कहती है कि अब गीतिका लॉम की असिस्टेंट होंगी। तभी महा कहता है, चेयरमैन, लेकिन मिस्टर लॉम के साथ मैं पहले से असिस्टेंट हूँ। तो चेयरमैन कहती है, मैं तुम्हें अब डीन का असिस्टेंट बना रही हूँ। तो डीन कहता है, लेकिन महा बहुत लंबे समय से मेरे भाई का असिस्टेंट रहा है, ये काम की हर डिटेल को जानता है, इसे भाई के साथ ही रहना चाहिए। तो चेयरमैन कहती है, तुम वाइस चेयरमैन बनने जा रहे हो, तो तुम्हें महा को असिस्टेंट रखना चाहिए ताकि तुम ग्रुप के बारे में सब कुछ जान सको। महा परफेक्ट है तुम्हारे असिस्टेंट के तौर पर। तभी लॉम कहता है, लेकिन डिज़ाइन प्रोजेक्ट में अगर गीतिका डिज़ाइन डिपार्टमेंट को छोड़ देती है तो कोई प्रोजेक्ट लीडर नहीं बचेगा। तो चेयरमैन कहती है, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक अच्छे कैंडिडेट को ढूंढ लिया है। फिर चेयरमैन उसे बुलाने को कहती है। इसके बाद कांसिनी अंदर आती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कांसिनी कहती है, हेलो, मैं हूँ कांसिनी, हेड ऑफ़ द डिज़ाइन डिपार्टमेंट। कांसिनी को देखकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब मीटिंग के बाद कंगन चेयरमैन से कहती है, आपने मुझे मिस्टर लॉम का असिस्टेंट बनाया, मैं समझती हूँ कि आप चाहती हैं कि मिस्टर लॉम मुझ पर नज़र रखें और मुझे डीन से दूर रखें, लेकिन जब आप कांसिनी को यहाँ काम करने देती हैं तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आपको याद नहीं है कि कांसिनी का चोरी करने का इतिहास रहा है? तो चेयरमैन कहती है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए। तो कंगन कहती है, क्या ये सच में ऐसा है? नहीं, क्या आप चाहती हो कि कांचनी मुझे दबा दे? तो चेयरमैन कहती है, क्या तुम वास्तव में ऐसा सोचती हो? तो तुम क्या करने जा रही हो? तो कंगन कहती है, मैं अपने ऊपर किसी और की गंदी चाल नहीं चलने दूंगी। तो चेयरमैन कहती है, मैं भी वेट करूंगी कि तुम क्या करोगी। तो कंगन कहती है, जो आपने किया है उसकी वजह से आप सब खो दोगी, वो चाहे मिस्टर लॉम हो या सासा। बी केयरफुल, आप सबका फ्यूचर ख़राब करने जा रही हो, ये डरावना है। ये बोलकर कंगन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब कंगन ऑफिस में होती है तो बाकी एम्प्लॉयज़ ये जानकर कि कांसनी यहाँ दोबारा आ गई है बहुत दुखी हो जाते हैं। नैनी कंगन से कहती है, मेरे इंटर्नशिप रिपोर्ट पर साइन हो जाएंगे? नहीं तो मैं अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो कंगन कहती है, डोंट वरी, मिस्टर लॉम सब संभाल लेंगे। रोसेलिन कहती है, मैं जानना चाहती हूँ आखिर कांसिनी ने चेयरमैन से ऐसा क्या कहा जो वो यहाँ फिर से काम पर आ गई। तभी वहाँ महा आता है। वो कंगन को रोते हुए लॉम का टैबलेट, फाइल और क्लीनिंग बैग को देता है। वो कहता है, इस बैग में सारे डिसइंफेक्शन टूल्स हैं जो मिस्टर लॉम को चाहिए होते हैं। तभी रोसेलिन कहती है, महा इतना मत सोचो। फिर महा आगे कहता है, मिस गीतिका, मैं मिस्टर लॉम को आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, उनकी अच्छी केयर करना, उन्हें हर्ट मत करना। तभी कैरिन कहता है, ये ट्रांसफ़र स्पीच है या लास्ट वर्ड? इसके बाद महा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कंगन कांचनी के पास जाती है और कहती है, तुम वापस क्यों आई? क्या मैं वापस नहीं आ सकती? क्या तुम मुझसे डर रही हो? तो कंगन कहती है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तुमसे डरे। तो कांचनी कहती है, ठीक है, तो गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब बदले के लिए तैयार हो जाओ। तो कंगन कहती है, तुमने अपनी लाइफ खुद बर्बाद की, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो कांचनी कहती है, तुम वो हो जिसने शुरू किया, तुमने मुझसे सब छीन लिया। तो कंगन कहती है, मैंने क्या छीना? तो कांचनी कहती है, हमने एक बार कहा था कि तुम्हें दूसरों से छीनना पसंद है, मैंने तब उस पर भरोसा नहीं किया जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर मेरी आंखें लकी हैं, मैं होम की तरह अनलकी नहीं हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है।
तो कंगन कहती है, हॉम के साथ क्या हुआ? तो कांसनी कहती है, क्या तुम नहीं जानती कि हॉम के फादर ने उसे मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुनकर कंगन शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद कंगन अपने स्टेप डैड के ऑफिस जाती है। वो बाहर वही गाड़ी खड़ी देखती है जिसने उसे कुचलने की कोशिश की थी। अब जिस वक्त वो हॉम के डैड के ऑफिस में जा रही होती है तो हॉम उसे देख लेती है। अब जैसे ही कंगन हॉम के डैड से मिलती है तभी हॉम आती है और कंगन को कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? और उसका हाथ खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है। हॉम के डैड उसे ऐसा न करने को कह रहे होते हैं। कंगन हॉम से कहती है, स्टॉप, ये गुस्सा दिखाने का तरीका नहीं है। तो हॉम कहती है, मुझे तुम्हें सुनने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके डैड कहते हैं, अगर तुम सुनना नहीं चाहती हो तो यहाँ से जाओ। तभी कंगन कहती है, कोई बात नहीं अंकल, इसे यहीं रहने दीजिए, मैं आज यहाँ आई क्योंकि मुझे हॉम के बारे में पता चला, कांसिनी ने मुझे बताया। फिर वो हॉम के डैड से कहती है, अंकल हॉम ने कुछ गलत नहीं किया, कांसिनी बहुत शातिर है, वो जानती है कि हॉम मुझसे नफरत करती है इसलिए उसने हॉम का यूज़ किया। तो हॉम के डैड हॉम से कहते हैं, अगर आपको पता है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपको सच जानना चाहिए और गलती को सुधारना चाहिए बजाय कि गंदगी उछालने के। तो कंगन कहती है, आप सही कह रहे हैं लेकिन इस तरह ऑफिस से निकालना ठीक नहीं है, चाहे जो भी हो लेकिन हॉम आपकी ही बेटी है। तो हॉम के डैड कहते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बेटी है, अगर मैं कल को उसे कंपनी सौंपता हूँ तो तुम्हें पहले तर्कसंगत इंसान बनना होगा। इस तरह हॉम के डैड हॉम को काफ़ी कुछ समझाते हैं। तो हॉम कहती है, हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उस डॉटर की तरह नहीं हूँ जो आपसे रिलेटेड नहीं है। फिर वो कंगन को कहती है, तुम हर चीज़ में अच्छी हो है ना? फिर वो अपने डैड से कहती है, अगर आप कंगन को अच्छा समझते हैं और इसे प्यार करते हैं तो सब इसे दे दीजिए। तो हॉम के डैड कहते हैं, तुम अभी भी वैसी ही हो, मैं सब कुछ कंगन को दे दूंगा, मैंने ये कंपनी बनाई अपनी मेहनत से, मैं तुम्हें इसे नहीं बर्बाद करने दूंगा। तो हॉम कंगन को कहती है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे तुम्हें उस दिन अपनी कार से मार देना चाहिए था, तो तुम मुझसे सब छीन नहीं लेती। तो हॉम के डैड कहते हैं, तुम क्या बात कर रही हो, तुम किसे कार से मारने जा रही थी? तो हॉम कहती है, जिस दिन आपने मुझे निकाला और आपने मुझे कंगन से माफ़ी मांगने को कहा तो मैंने इसे ढूंढा, माफ़ी मांगने के लिए नहीं, मैंने इसे अपनी कार से हिट किया। इसके बाद कंगन के डैड हॉम को थप्पड़ मारते हैं। कंगन कहती है, अंकल शांत हो जाइए, इसने मुझे हिट नहीं किया, ये उस वक्त बहुत गुस्से में थी। तो हॉम के डैड कहते हैं, अगर तुम कंगन से बेटर बनना चाहती हो और अगर तुम कंगन से जीतना चाहती हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी, क्या तुम्हारे अंदर काइंडनेस नहीं है? इसके बाद हॉम वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर वो कार में जाकर रोने लगती है और कहती है, डैड मुझसे प्यार नहीं करते। इसके बाद हॉम को क्लब में दिखाया जाता है जो शराब के नशे में डूबी हुई होती है। अब वहाँ एक आदमी हॉम के साथ छेड़खानी करने लगता है तो तभी डीन आकर उस आदमी से हॉम को बचाता है। अब नशे में हॉम डीन की पैंट पर उल्टी कर देती है। इसके बाद डीन हॉम को उसके घर ले आता है। कंगन की मॉम डीन से कहती है, तुम्हारी पैंट 5 मिनट में सूख जाएगी। तो डीन कहता है, थैंक यू। फिर वो आगे कहता है, क्या आप जानती हैं हॉम को क्या हुआ जो ये इतनी ड्रंक है? तो कंगन की मॉम कहती है, मुझे नहीं मालूम लेकिन शायद अपने डैड के साथ झगड़े की वजह से इसने इतनी पी है। इसके बाद जब कंगन की मॉम डीन के कपड़े देखने जाती है तो डीन जिस वक्त हॉम के ऊपर रजाई डालने जाता है तो हॉम डीन को मॉम बोलकर गले लगाने लगती है और फिर उसका टावल भी खींचने लगती है। इसके बाद डीन हैरान होकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लॉम और कंगन को दिखाया जाता है। कंगन ने लॉम के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। अब वो जिस वक्त खा रहे होते हैं तो लॉम कंगन के मुंह पर खाना लगा देखता है, रुमाल से साफ़ करने लगता है तो कंगन खुद उस रुमाल से अपना मुंह साफ़ करती है। लॉम कहता है, तुम्हारे मुंह पर खाना लगा था। फिर वो आगे कहता है,
क्या तुम मेरे साथ कार में ऑफिस जाओगी? तो कंगन चौंकते हुए कहती है, मैं? क्या तुम डरते नहीं हो? लोग गलत समझेंगे। तो लॉम कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। ये सुनकर कंगन लॉम को हैरान होकर देखने लगती है। इसके बाद जब कंगन और लॉम ऑफिस में होते हैं तो कंगन कहती है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। लॉसरिन और महा को नहीं पता है कि वो किस पर दांव लगा रहे हैं। लॉसरिन महा को बता रही है कि वो कैरिन के साथ डेट पर जा रही है। तो लॉम कहता है, लॉसरिन महा पर गुस्सा है, वो साथ में बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। हम हमेशा उसी से झगड़ते हैं जिसकी हम परवाह करते हैं। तो कंगन कहती है, मैं जानती हूँ। तो लॉम कहता है, मैं जानता हूँ। इवन जब महा प्यार में गिरा तो लॉसरिन ने उसे सपोर्ट किया और उसकी केयर की। फिर कंगन कहती है, शायद लॉसरिन को महा पर क्रश हो सकता है। तो लॉम कहता है, लॉसरिन को महा पर क्रश? तो कंगन कहती है, हाँ, लॉसरिन अभी भी नहीं जानती कि वो क्या सोच रही है। तो लॉम कहता है, क्या हम अपने इनर थॉट्स के बारे में नहीं जान पाएंगे? हम किसे पसंद करते हैं और किससे प्यार करते हैं? तो कंगन कहती है, हाँ, ऐसे लोग होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये आदत है। जब हम अक्सर एक दूसरे को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम फ्रेंड्स हैं। लॉम कंगन से कहता है, तुम इसमें बहुत अच्छी हो, क्या तुम्हें किसी पर क्रश है और तुमने इसे नोटिस नहीं किया? तो कंगन कहती है, नो। तो लॉम कहता है, सच में? तो कंगन कहती है, हाँ। तो लॉम कहता है, पर अभी भी तुम्हें मुझ पर क्रश है और तुम ये नहीं जानती। फिर कंगन ये कहते हुए जाने लगती है कि तुम पागल हो। तो लॉम कंगन को पकड़ता है और कहता है, मुझे जवाब दो, आंखें मत चुराओ, क्या सच में तुम्हें मुझ पर क्रश है? अब इसी दौरान कांसिनी ये सब अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेती है। कंगन इसके बाद खड़ी उठती है और कहती है, मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया और ये सब मेरे साथ मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लॉम फ्लैशबैक को याद करता है जिसमें चेयरमैन लॉम से फ़ोन पर कह रही होती है कि क्या तुमने गीतिका के लिए रिंग खरीदी? तो लॉम कहता है, हाँ। तो चेयरमैन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़की को पैसे से खरीद सकते हो? तो लॉम कहता है, इस बारे में तो वो पैसे को पूछती है, वो अमीर लोगों का साथ पसंद करती है। मैं इसे अभी आजमाऊँगा, देखते हैं ये कितना सच है। इसके बाद लॉम आगे कहता है, कांसिनी के बारे में आपका क्या प्लान है? तो चेयरमैन कहती है, वो सिर्फ मेरे लिए एक स्पेयर टायर है। उस केस में जब आप गलती करो, मैं अपने तरीके से इसे डील करूँगी। इसके बाद फिर से लॉम को दिखाया जाता है जो ये सब सोच रहा होता है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।